शनि देव महाराज की पावन कथा सुनाते हैं। हम शनि देव महाराज की पावन कथा सुनाते हैं। कैसे जन्म हुआ देवा का ये बतलाते हैं। कैसे जन्म हुआ देवा का ये बतलाते हैं। न्यायाधीश बनकर ये भक्तों न्याय दिलाते हैं। न्यायाधीश बन के ये भक्तों न्याय दिलाते हैं। कैसे जन्म हुआ देवा का ये बतलाते हैं। कैसे जन्म हुआ देवा का ये बतलाते हैं। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी की कन्या संध्या नाम। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी की कन्या संध्या नाम। सूर्य देव के संग में ब्याही, सूर्य देव के संग में ब्याही आ गई उनके वाम। सूर्य देव संग संध्या देवी कर्ण मिलन जो आई। सूर्य देव के ताप को भक्तों, सूर्य देव के ताप को भक्तों संध्या सहना पाई। क्या हुआ आगे भक्तों ये बतलाते हैं। क्या हुआ आगे भक्तों ये बतलाते हैं। संध्या ने सोचा तप करके अपनी शक्ति बढ़ाऊं। संध्या ने सोचा तप करके अपनी शक्ति बढ़ाऊं। जब तक तप पूर्ण हो मेरा, जब तक तप पूर्ण हो मेरा छाया छोड़ के जाऊं। छाया को संध्या समझ के सूर्य देव अपनाए। मिलन हुआ दोनों का भक्तों, मिलन हुआ दोनों का भक्तों शनि गर्भ में आए। प्रभु हर्षाते हैं दिनकर जी हर्षाते हैं। प्रभु हर्षाते हैं दिनकर जी हर्षाते हैं। मेरा पुत्र मेरी ही तरह ओजस्वी तो होगा। मेरा पुत्र मेरी ही तरह ओजस्वी तो होगा। सोने जैसी कांति होगी, सोने जैसी कांति होगी तेजस्वी तो होगा। मेरे संग में चलेगा जब वो सारे देख रह जाए। सूर्य देव के नंदन को सब, सूर्य देव के नंदन को सब सारे शीश नवाए। सूच न पाते हैं जन्म की सूच न पाते हैं। सूच न पाते हैं जन्म की सूच न पाते हैं। जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय शनि देवा।
पुत्र जन्म की सूचना पाई सूर्य देव हर्षाए। पुत्र जन्म की सूचना पाई सूर्य देव हर्षाए। दौड़े दौड़े पुत्र से मिलने, दौड़े दौड़े पुत्र से मिलने, देखो दिन कर आए। वो क्या जाने शनि देव का रंग था भक्तों काला, छाया माँ की छाया के कारण, छाया माँ की छाया के कारण श्याम वरण वो वाला। गोद उठाते हैं पुत्र को, गोद उठाते हैं, गोद उठाते हैं पुत्र को, गोद उठाते हैं। सूर्य देव ने शनि देव को गोदी में जोठाया, सूर्य देव ने शनि देव को गोदी में जो उठाया। जैसे ही पुत्र के वर्ण को देखा, जैसे ही पुत्र के वर्ण को देखा माथा था चकराया। इतने श्याम वर्ण का मेरा पुत्र नहीं हो सकता, कोई इस बालक को मेरा, कोई इस बालक को मेरा पुत्र नहीं कह सकता। पुत्र को छाया के भानुजी पास लिटाते हैं, पुत्र को छाया के भानुजी पास लिटाते हैं। शनि देव ने अपना जब ये घोर अनादर देखा, शनि देव ने अपना जब ये घोर अनादर देखा, पिता की ओर से भक्तों उन्होंने, पिता की ओर से भक्तों उन्होंने अपना मुख था फेरा। तब से ही सूरज और शनि की आपस में ना बनती, अक्सर ही दोनों ही ग्रहों में, अक्सर ही दोनों ही ग्रहों में आपस में थी ठनती। बैर बढ़ाते हैं आपस में, बैर बढ़ाते हैं, बैर बढ़ाते हैं आपस में, बैर बढ़ाते हैं। संध्या तप से वापस आई छाया को थमिटाया, संध्या तप से वापस आई छाया को थमिटाया। पर संध्या को शनि देव ने, पर संध्या को शनि देव ने माता नहीं बनाया। यम यमुना भी भाई बहन थे जिनसे ना बन पाई। शनि देव ने बचपन से ही, शनि देव ने बचपन से ही अपनी राह लगाई। दुख में आते हैं सूर्य जी, दुख में आते हैं, दुख में आते हैं सूर्य जी, दुख में आते हैं। जय शनि देवा, जय शनि देवा, जय शनि।
जी का तप कर करके शनि ने बल था पाया। ब्रह्मा जी का तप कर करके शनि ने बल था पाया। बल पाकर श्री शनि देव ने था उत्पात मचाया। सूर्य के कहने पर शिव जी ने शनि को थे समझाए। बात समझना दूर रहा फिर युद्ध करन को आए। त्रिशूल चलाते हैं शिव जी, त्रिशूल चलाते हैं। सीने पर त्रिशूल लगा जू शनि मूर्छित हो आए। सूर्य देव के आवाहन पर क्षमा शनि जी पाए। उठने पर श्री शनि देव ने शिव को गुरु बनाया। शिव जी ने वरदान था दीना, न्यायाधीश बनाया। न्याय दिलाते हैं भक्तों को, न्याय दिलाते हैं। शनिवार जो शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाते काल चने और उड़द दाल का उनको भोग लगाते। चरण धूल से शनि देव की चंदन तिलक लगाते। शनि देवता उन भक्तों की नैया पार लगाते। शीश नवाते हैं भगत जन शीश नवाते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम, तम नमामि शनैश्चरम। बोलिए शनिदेव भगवान की। भक्तजनों, नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ शनिदेव भगवान अत्यंत शक्तिशाली हैं। इनकी अनन्य भक्ति करने वाला सदैव सुख वैभव धन संपत्ति प्राप्त करता है, परंतु न जाने क्यों इनकी साढ़े साथी से मनुष्य ही क्या देवता गण भी भयभीत हो जाते हैं। जबकि शनि देव तो न्यायाधीश होने के कारण केवल अपने संचित कर्मों का न्याय करते हैं। इनकी शक्तियों की गाथाएं वेद पुराणों में वर्णित हैं, परंतु इनको दीनहीन और शक्तिहीन समझने की भूल का
क्या परिणाम होता है, राजा विक्रमादित्य को क्या क्या भोगना पड़ा, आइए इस कथा के माध्यम से सुनाता हूँ। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा, सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा, भक्तों बड़ी महान है। भव सागर से पार हुआ वो, जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा, भक्तों बड़ी महान है। भव सागर से पार हुआ वो, जिसने किया गुणगान, सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा। एक बार की बात है भक्तों, नवग्रहों में यह विवाद छिड़ गया कि उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। जब विवाद नहीं सुलझा तो नौ के नौ ग्रह त्रिदेवों की शरण में आए, परंतु त्रिदेव भी उनके इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। इस पर देवर्षि नारद ने नवग्रहों को बताया कि पृथ्वी लोक पर विक्रमादित्य नामक एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा है, वही आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। नारद जी की बात मान नौ के नौ ग्रह विक्रमादित्य के सन्मुख आए और वही प्रश्न दोहराया। विक्रमादित्य ने अलग अलग धातुओं के आसन बनवाए और नवग्रहों को अपनी अपनी पसंद की धातु के आसन पर विराजमान होने को कहा। आगे क्या हुआ, आइए सुनते हैं। सूर्य देव सोने पर बैठे और चंद्रमा चांदी पर, बुध ने पन्ना मंगल मूंगा, राहु केतु गोमेद पर। शनि देव को लोहे की धातु तो बहुत सुहाती है, लोहे के सिंहासन उनकी दृष्टि तो पड़ जाती है। लोहे के सिंहासन बैठे, लोहे के सिंहासन बैठे शनि देव भगवान है। भव सागर से पार हुआ वो, जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा, भक्तों बड़ी महान है। भव सागर से पार हुआ वो, जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा। जैसे ही नवग्रह अपनी अपनी पसंद की धातु के सिंहासनों पर बैठे, विक्रमादित्य प्रसन्न मुद्रा में बोले, लीजिए निर्णय हो गया, जो ग्रह सर्वश्रेष्ठ धातु अर्थात स्वर्ण पर बैठा है वह सर्वश्रेष्ठ है, और जो ग्रह सबसे निकृष्ट धातु अर्थात लोहे पर बैठा है वह सबसे नीचे है। यह सुनकर शनि देव का क्रोध सातवें आसमान पर चढ़ आया। मन ही मन वो बोले, राजा विक्रमादित्य, आज और अभी से तेरी साढ़े साती प्रारंभ होती है, और वो सभा का त्याग कर चले गए। अगले दिन घोड़े का व्यापारी बन वापस दरबार में आए, उड़ने वाला घोड़ा राजा को दिखाया तो राजा ने उस पर सवारी की इच्छा जाहिर की। आगे क्या हुआ, आइए बताता हूँ। घोड़े पर जुएड़ लगाई, पवन वेग से उड़ने लगा, और घने जंगल में राजा विक्रम को वो फेंक गया। चोर लुटेरों ने राजा के गहने कपड़े लूट लिए, भूख प्यास से बेदम राजा नगर नगर फिर घूम लिए।
एक सेठ ने जब देखा तो हाँ एक सेठ ने जब देखा तो लगा भला इंसान है। भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा भक्त को बड़ी महान है। भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा। नगर सेठ ने जब विक्रमादित्य को भटकते हुए देखा तो उसे भला मानुष समझकर अपने घर में ले आए और उसे भोजन करवाने हेतु वहां पर बिठा दिया। इधर सेठानी अपना नौलखा हार खूंटी पर टांग कर चली गई थी। शनि देव की माया प्रारंभ हो गई थी भक्तों। जैसे जैसे विक्रम खाना खाता जाता वो खूंटी हार को निगलती जाती। जब सेठ सेठानी ने अपना नौलखा हार नहीं पाया तो उसे राजा के हाथों पकड़वा दिया। राजा ने भी उसे चोर जानकर उसके हाथ पैर तुड़वाए और जंगल में फेंकवा दिया। अब विक्रमादित्य को बोध हो गया कि उसने शनिदेव को छोटा बताकर बहुत बड़ी भूल की है। दया के मारे एक तेली उसे अपने घर में ले आया और उससे अपना कोहलू हकवाने लगा। विक्रमादित्य कोहलू हाँकते जाते और शनि देव की स्तुति राग दीपक में गाते जाते। हाथ पैर सब टूट गए थे तेली घर को लुहा के। भंडारे जो खिलवाता था आज कर रहा खुद फाके। शनि देव मुझे क्षमा करो ये राग दीपक गाते थे। नगर की राजकुमारी को ये स्वर बहुत ही भाते थे। इसी से तो मैं विवाह करूंगी, हाँ इसी से तो मैं विवाह करूंगी, उसका ये अरमान है। भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा भक्त को बड़ी महान है। भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा। नगर की राजकुमारी को विक्रमादित्य की आवाज इतनी अच्छी लगी कि उसे बिना देखे ही उसने उससे विवाह करने की ठान ली। परंतु विवाह के दिन जब राजा ने बिना हाथ पैर वाले वर को देखा तो राजा ने विवाह को मना कर दिया। इधर विक्रम ने सच्चे हृदय से एक बार फिर शनिदेव की आराधना की तो शनिदेव ने उस पर से अपनी वक्र दृष्टि हटा ली और साढ़े साथी भी समाप्त कर दी। जो ही शनि देव की शुभ दृष्टि पड़ी विक्रम को पहले जैसा सुंदर स्वरूप मिल गया। खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। बस अब क्या था, नगर के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य के साथ बड़ी धूमधाम से किया और ढेरों उपहार देकर उन दोनों को विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य रानी सहित अपनी राजधानी लौट आए। वक्र दृष्टि जब हटी तो भक्तों हाथ पैर वापस आए। खोया राजपाट भी विक्रम देखो फिर से थे पाए। धूमधाम से शादी करके पत्नी सहित वापस आए। आते ही फिर नगर मध्य में शनि मंदिर एक बनवाए। है शनि देवा नव ग्रहों में, है शनि देवा नव ग्रहों में, भक्तों सबसे महान है।
भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा भक्तों बड़ी महान है, भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा। अब राजा विक्रमादित्य सपरिवार हर शनिवार को शनि मंदिर जाते, शनि देव को तेल से स्नान करवाते, लोहा तिल तेल उड़द का भोग लगाते, उन्हें नवीन काले वस्त्रों से सुसज्जित करते, काले चने बैंगन और सरसों के तेल में बने पकवानों का भोग भंडारा बनाकर गरीबों को खिलवाते। इस तरह वो जीवन पर्यंत शनि देव के कृपा पात्र बने रहे। और भक्तों, यह कथा हमें यह संदेश भी दे गई कि नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ तो शनि देव ही हैं। तो बोलिए मेरे साथ, भगवान शनि देव महाराज की। तिल और तेल उड़द भी शनि देव को भाते हैं, हर शनिवार जो शनि देव को ये अर्पित कर जाते हैं। चंदन तिलक लगा के शनि की आरती चालीस गाते हैं, शनि देव के द्वादश नामों को मन से जो ध्याते हैं, शनि देव की कृपा पाते, शनि देव की कृपा पाते। करे शनि कल्याण है, भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा भक्तों बड़ी महान है, भवसागर से पार हुआ वो जिसने किया गुणगान है, जिसने किया गुणगान है। सूर्य पुत्र शनि देव की गाथा। नीलांजना समभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसंभूतं तं नमामि शनेश्वरम्।